To fulfill the request of some of my viewers, today I am going to explain the first question of a textbook Retirement of Partner. उससे पहले आपको ये बता दूँ, ये Retirement of Partner exactly आपके Admission of Partner के जैसा ही है। सिर्फ छोटी छोटी कुछ बातें आपको इसमें याद रखनी है और अगर उस दो तीन एडजस्टमेंट की तरफ आप ध्यान दोगे तो इट इज सेम लाइक एडमिशन ऑफ पार्टनर। एंड बिकॉज ऑफ दैट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके टेक्स्ट बुक के जो एडमिशन ऑफ पार्टनर के 10 प्रॉब्लम है, टोटल 10 प्रॉब्लम का जो लिंक है मैंने आपको आपके डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ओके, तो ये तीन पार्टनर देखो, मामा, बाबा एंड काका, एंड उनका रेशो है 4:3:3। उसमें से जो लास्ट पार्टनर है काका, वो रिटायर हो रहा है ओके ऑन 1 अप्रैल 2018, और वो रिटायर हो रहा है। उसके अलावा बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, उसके लिए आपको पता है हम कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, वही सब अकाउंट बनाएंगे। लेकिन एडमिशन ऑफ पार्टनर में मैं हर प्रॉब्लम में आपको हमेशा ये सजेस्ट करता था कि आपको कैश अकाउंट बनाना ज़रूरी है। देखिए, रिटायरमेंट में आपको कैश अकाउंट बनाने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए आज के इस प्रॉब्लम में हम रियलाइजेशन अकाउंट, आपका प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट उसका दूसरा नाम है, देन पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। ओके, सो दो अकाउंट और एक बैलेंस शीट बनाएंगे। जो नॉर्मल प्रैक्टिस मैंने आपको हमेशा सिखाई है उसे ही फॉलो करेंगे। जिस पे एडजस्टमेंट है उसको पहले टिक मार्क कर लेते हैं। सो यू कैन सी एडजस्टमेंट ऑन डेटर, लाइफ स्टॉक, मोटर कार, फर्नीचर एंड प्लांट, इन सब पे एडजस्टमेंट है। कैश पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो शुरुआत कैश से करते हैं। इधर भी हम लाइक एडमिशन ऑफ पार्टनर असेट से ही शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले कैश 4,500। ओके, लेट मी क्लियर वन थिंग, अज्यूमिंग दैट कि आपने मेरा एडमिशन ऑफ पार्टनर के सब वीडियो देखे हैं, ये अजम्पशन रख के ही मैं आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो दोज हु आर न्यू और जो फर्स्ट टाइम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का ये वीडियो मेरा देख रहे हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वीडियोस पहले देख लो, सो दैट एडमिशन ऑफ पार्टनर आपको थोड़ा भी समझ में आता है तो उसी का बेस लेके हम इस रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि हमने इन सब पे टिक मार्क किया, मतलब इन पे एडजस्टमेंट है, तो इनमें चेंजेस होने वाला है। सो अदर देन कैश, आपको असेट में जो भी दिख रहा है, जैसे सनरी डेटर है, लाइफ स्टॉक है, मोटर कार है, फर्नीचर है, प्लांट है, इन सबको हम असेट में ही लिखेंगे। लेकिन क्योंकि इन पे एडजस्टमेंट है तो हम इन्हें इनर कॉलम में लिखेंगे। सो डेटर 4,500, लाइफ स्टॉक 12,500, मोटर कार 4,000, फर्नीचर 17,500 एंड प्लांट 22,500। तो इन सब पे एडजस्टमेंट है, इसके लिए मैंने इनको इनर कॉलम में लिख दिया। आफ्टर दैट मूविंग टू द लाइबिलिटी साइड, यू कैन सी सप्लायर बट नो एडजस्टमेंट, सो आउटर कॉलम 7,000, लोन 5,000, जनरल रिजर्व। ये एक बात अभी अच्छी तरह समझ लो, एडमिशन ऑफ पार्टनर में जनरल रिजर्व सिर्फ हम ओल्ड पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, बट ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, मतलब इसमें पिछले साल इस फर्म में टोटल 3 पार्टनर थे, उसमें से एक बंदा अभी 1 अप्रैल को रिटायर हो रहा है। तो ये जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर में वो बंदा भी था जो काका अभी रिटायर हो रहा है, वो अभी रिटायर हो रहा है, लेकिन पिछले साल उसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन था। इसलिए ये याद रखो, एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ सॉरी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर में आप जनरल रिजर्व जब बांटोगे तो आपको तीनों को उसे रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओनली एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम जनरल रिजर्व पुराने पार्टनर को ही देते हैं। सो जनरल रिजर्व इज गिवन 6,250, एज यू नो दैट हम उसे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो इफ आई डिस्ट्रीब्यूट दैट 6,250 इन 4:3:3 रेशियो, इट विल बी 2,400, सो 2,500, 1,875 एंड 1,875। आफ्टर दैट कैपिटल अकाउंट है, वो लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इस तरह देखो, मेरा जो बैलेंस शीट का टोटल पोस्टिंग खत्म हो गया। मूविंग टू
First adjustment, goodwill. See that the adjustment of goodwill मैंने red में indicate किया है, because admission of partner में goodwill के बहुत सारे अलग अलग adjustment थी. Goodwill retained होता था, goodwill raised होता था, goodwill withdraw by old partner, goodwill withdraw after the admission of new partner, like that. उसी तरह retirement of partner में भी आपको goodwill का statement carefully पढ़ना है. इसमें कुछ प्रॉब्लम में आपको दिखेगा कि गुडविल जो पुराने पार्टनर का गुडविल है वो सॉरी जो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका गुडविल, जो रिमेनिंग जो जो बाद में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर रहने वाले हैं वो उसे रिटर्न ऑफ कर लेते हैं. फिर कुछ प्रॉब्लम में आपको दिखेगा कि गुडविल का आपको बैलेंस शीट में भी वैल्यू दिया है और एडजस्टमेंट में वैल्यू दिया है, तो इट विल बी ट्रीटेड लाइक अ नॉर्मल असेट. कुछ प्रॉब्लम में आपको दिखेगा कि आपको गुडविल निकालना होगा विद द हेल्प ऑफ द लास्ट 5 years और 3 years प्रॉफिट, देन यू हैव टू कंपेयर द गुडविल. इसलिए रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी आपको गुडविल को थोड़ा केयरफुली देखना है. तो आज के इस प्रॉब्लम में देखो, ये जो काका रिटायर हो रहा है उसका गुडविल है 2700. तो चलो काका का गुडविल क्लियरली हमें दिया है, तो और आपको पता है गुडविल हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखते हैं बाय गुडविल, ओनली काका के कॉलम में 2700. अब अगर मैं गुडविल अकाउंट बनाता तो इसका एंट्री गुडविल अकाउंट के डेबिट में जाता, दैट इज टू काका कैपिटल अकाउंट 2700. और कोई एंट्री ना होती तो फिर मैं जब गुडविल अकाउंट क्लोज करता तो उसका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आता बाय बैलेंस कैरिड डाउन. और ये भी आपको अच्छी तरह पता है कि जब भी बाय बैलेंस कैरिड डाउन आता है तो वो क्लोजिंग बैलेंस असेट में जाता है. इसलिए ये जो गुडविल का 2700 का एंट्री मैंने काका के क्रेडिट में किया है, काका कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में किया है, इसका सेकेंड एंट्री हम बैलेंस शीट में करेंगे. सो डोंट फॉरगेट दैट इफ रिटायरिंग पार्टनर्स गुडविल इज क्लियरली गिवन दैट दिस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर. जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका वो गुडविल का अमाउंट आपको अगर दिया होगा, फर्स्ट एंट्री आप करोगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय गुडविल, और सेकेंड एंट्री आप बैलेंस शीट में शो करोगे गुडविल 2700. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको गुडविल का ट्रीटमेंट बताया. क्वेश्चन नंबर 3 में ये ट्रीटमेंट अलग होगा, 2 में अलग होगा, 4 में अलग होगा, बिकॉज हर प्रॉब्लम में आपको गुडविल का इंफॉर्मेशन अलग दिया है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के जितने भी आपके टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम है. तो चलो मेरा फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया. अब इसके बाद का एडजस्टमेंट उसी तरह करेंगे जब हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में करते थे, कि अगर आपका कोई असेट इंक्रीज हो रहा है तो ये आपके लिए असेट प्रॉफिट है. तो प्रॉफिट आप रीवैल्यूएशन अकाउंट के मतलब प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखोगे, और अगर आपका कोई असेट डिक्रीज हो रहा है तो ये आपके लिए लॉस है, तो उसका सेकेंड एंट्री आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में करोगे. सो लेट्स सी, योर फर्नीचर इज डेप्रिसिएटेड बाय 10% एंड अगेन इट इज अ लॉस फॉर द फर्म. फर्नीचर का वैल्यू है 17,500, तो उसका 10% हो गया 1750. ये हमारी कंपनी के लिए लॉस है. उसी तरह आपका जो मोटर कार है वो भी डेप्रिसिएट हुआ है 12.5% से. सो 12.5% ऑफ 4000 विल बी 500. तो ये दोनों भी देखो, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोनों असेट का वैल्यू कम हो रहा है तो ये इनके लिए लॉस हो गया. तो जो भी इनके लिए लॉस होता है उसका सेकेंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में होगा. टू फर्नीचर 1750 एंड टू मोटर कार 500. मूविंग टू थर्ड एडजस्टमेंट, लाइफ स्टॉक टू बी एप्रिसिएटेड बाय 10% एंड प्लांट बाय 20%. नाउ एप्रिसिएटेड मीन्स व्हाट? अभी इनके असेट का वैल्यू बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है. सो ऑब्वियसली जब कम हो रहा था तो उनके लिए लॉस था, अब इंक्रीज हो रहा है तो इनके लिए प्रॉफिट है. चलो पहले वैल्यू निकाल लेते हैं. दैट लाइफ स्टॉक एप्रिसिएटेड बाय 10%. सो 10% ऑफ 12,500 1250 एंड 20% ऑफ प्लांट इज 4,500. सो इट इज इनकम फॉर द फर्म एंड प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट आपका नॉमिनल अकाउंट है. सो नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको पता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. इसलिए ये दोनों जो असेट इंक्रीज हुआ है इसका सेकेंड एंट्री
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट में होगा। बाय लाइव स्टॉक एंड बाय प्लांट 4,500। नाउ मूविंग टू वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट जो हमने इससे पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर में नहीं देखी है आपके टेक्सटबुक प्रॉब्लम में, तो आज ये जरा अच्छी तरह समझ लो। देखो बैलेंस शीट में आपका सन्डे डेटर है 5,000 लेस आरडीडी 500 एंड आउटर में है 4,500। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस। एज यू नो डेटर का मतलब होता है हमारे वो कस्टमर जिनको हम उधार पे मतलब क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने टोटल 5,000 का गुड्स उधार पे बेचा है अपने कस्टमर को, लेकिन इनको उसमें से डाउट है कि कोई एक कस्टमर है या कोई दो कस्टमर है जो 500 रुपीज पे करने वाले थे वो शायद नहीं पे करेंगे, उनको डाउट लग रहा है। सो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट आरडीडी, तो इनको ऐसे इंडिकेशन आ रहा है कि ये 500 हमारा डूबने वाला है, और इसलिए इनके बैलेंस शीट में इन्होंने जब डेटर का वैल्यू प्रेजेंट किया है तो कैसे प्रेजेंट किया है, देखो 5,000 माइनस 500 4,500 मीन्स दे अज्यूम दैट आउट ऑफ दैट 5,500 वोंट बी रिकवर्ड। ऐसे उनका सिर्फ थिंकिंग है, ऐसे उन्हें लग रहा था, ये उनका अजम्पशन था कि 5,000 में से 500 डूब जाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर उनका ये अजम्पशन गलत निकला। और उधर क्लियरली दिया है देखो आरडीडी नो लॉन्गर नेसेसरी, मतलब ये जो अजम्पशन करके चल रहे थे कि 500 डूबने वाला है, इस अजम्पशन की जरूरत नहीं है, टोटल डेटर रिकवर होने वाला है। तो इसका मतलब इनके लिए प्रॉफिट हो गया। कल तक ये समझ रहे थे कि 500 डूबने वाला है, लेकिन आज इनको ऐसे लग रहा है कि ये डूबने का चांसेस नहीं है। तो इसका मतलब जो बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में हमें जो डेटर 4,500 लग रहा था वो एक्चुअल में वापस 5,000 होने वाला है, मतलब इंक्रीज बाय 500। सो आई एम एडिंग 500 फर्स्ट। ओके बिफोर दैट द क्लेम, सॉरी आपका क्लेम का एडजस्टमेंट पहले रह गया था, दैट इज उसके बाद आरडीडी है। दैट प्रोविजन ऑफ 2,000 टू बी मेड फॉर क्लेम ऑफ कॉम्पनसेशन, पहले अभी ये समझ लो। कुछ इनके वर्कर है, मे बी वर्कर को कुछ काम करते समय कुछ एक्सीडेंटली कुछ लग गया है या आगे चल के लग सकता है, तो इन्होंने प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर के लिए ये पैसा संभाल के रखना। मे बी को किसी वर्कर को काम करते समय कुछ हर्ट हो सकता है, कुछ एक्सीडेंटली कुछ मार लग सकता है, या मे बी कोई वर्कर को एडवांस में कुछ पैसा देना पड़ेगा, इसके लिए इन्होंने वर्कर को जो कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा अगर कुछ उसे कुछ एक्सीडेंटली हो जाता है या और कोई रीजन की वजह से अगर वर्कर को कल कॉम्पनसेशन देना होगा तो उसके लिए पैसा नहीं होगा, इसलिए अभी काम करते हैं, कुछ पैसा साइड में रख देते हैं एज अ प्रोविजन। सो प्रोविजन का मतलब ये हो गया कि फ्यूचर के लिए कुछ पैसा साइड में रखना। तो इन्होंने 2,000 रुपीज का प्रोविजन, मतलब 2,000 रुपीज साइड में निकाल के रखा है कि ये वर्कर लोगों को देना है एज अ कॉम्पनसेशन अगर आगे चल के कुछ होता है तो ऑब्वियसली ये इनके लिए लाइबिलिटी, क्योंकि वो पैसा भी उस पैसे पे इनका हक नहीं है, इन्होंने वो पैसा साइड में रख दिया एज अ प्रोविजन, इसलिए उसका देखो पहला एंट्री लाइबिलिटी में हो गया बिकॉज वो 2,000 इनके लिए कर्जा है, वर्कर लोगों के लिए उन्होंने वो 2,000 साइड में रखा है और लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया 2,000 से, तो इनके लिए लॉस है। तो इसका सेकेंड एंट्री 2,000 का मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट पे शो करूंगा। अब आते हैं हमारे डेटर वाले एंट्री में, वापस एक बार समझ लो कि इनको ऐसे पुराने बैलेंस शीट में आपको क्लियरली दिख रहा है, इनको ऐसे लग रहा था कि आउट ऑफ 5,000 ऑफ डेटर 500 मे बी नॉट रिकवर्ड, मे बी 500 डाउटफुल है, वो रिकवर नहीं हो सकता, ऐसे उनको पुराने बैलेंस शीट में लग रहा था। लेकिन अब इनको ये इंडिकेशन मिल गया है कि आरडीडी रखने का जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा डेटर का पैसा रिकवर होने वाला है। सो दिस इज द गुड न्यूज फॉर द फर्म एंड दैट्स व्हाई, जब याद रखो जब भी आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी आएगा, इसका मतलब आपको जो डाउट था, आपको जो शक था ये पैसा रिकवर नहीं होगा, वो शक आपका गलत निकला है, आपका पूरा पैसा रिकवर होने वाला है, तो ये आपके लिए प्रॉफिट है। इसलिए हम डेटर में 500 प्लस करेंगे 5,000 और अगेन ये हमारे लिए प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट में शो करेंगे। इस तरह देखिए मेरे टोटल एडजस्टमेंट खत्म हो गए। लास्ट इन्फॉर्मेशन मुझे ये है कि जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है, जैसे काका रिटायर हो रहा है,
तो उसको जो भी पैसा उसका बैलेंस आने वाला है वो उसके लोन अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है। तो इसके अलावा जैसे एडमिशन और पार्टनर क्लोज करते थे उसी तरह क्लोज करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट का क्रेडिट साइड ही भी देखो 6250, सेम आई विल राइट टू द डेबिट साइड एंड इफ आई डिडक्ट 1750 500 एंड 2000 आई विल गेट 2000 एज अ प्रॉफिट। नाउ एडमिशन ऑफ पार्टनर में प्रॉफिट सिर्फ पुराने पार्टनर को बांटा जाता था, लेकिन रिटायरमेंट और डेथ में ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट याद रखो, जनरल रिजर्व भी तीनों को बांटा जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में प्रॉफिट होने दो या लॉस होने दो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी तीनों पार्टनर को किया जाएगा। तो ये 2000 4:3:3 के रेशियो में बांटा जाएगा। सो टू पार्टनर्स कैपिटल 800, 600 एंड 600 एंड इट विल बी शिफ्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल 800, 600, 600। नाउ एवरीथिंग इज ओवर। सो यू कैन सी दैट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में ही सब अमाउंट है। तो पहले उधर की टोटल कर लेते हैं, पहले बाबा देन काका एंड मामा की टोटल कर ली हमने। सेम टोटल हम डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन आपको क्लियरली लास्ट एडजस्टमेंट में बताया गया है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका पैसा आपको लोन में अलग दिखाना है, अलग लोन में ट्रांसफर करना है। तो पहले वो कर लेते हैं। देखिए टू लोन अकाउंट काका का 20,175 अलग रख दिया, क्योंकि अब आगे चल के फर्म में तीन पार्टनर नहीं रहेंगे, दो ही रहेंगे, तो कैपिटल बैलेंस शीट के कैपिटल में आपको दो ही कैपिटल दिखने चाहिए, इसलिए लोन को सेपरेटली लिख दिया। अब यही लोन लोन क्यों लिखा है, मतलब अभी तक काका को पैसा दिया नहीं है। ओके, तो काका का ये लाइबिलिटी है फर्म पे, तो इसलिए ये सेपरेट लोन में लिखा है। तो ये लोन आपको पता है लाइबिलिटी में लिखना जरूरी है। तो काका को अभी तक इन्होंने पैसा नहीं दिया, फर्म पे लाइबिलिटी है, इतना पैसा काका को देना बाकी है, दैट इज 20,175। और अब बाकी दोनों को मैं क्लोज कर रहा हूँ। सो बाय बैलेंस कैरी डाउन, नाउ देयर विल बी ओनली टू पार्टनर इन दिस फर्म आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ काका। सो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में कैपिटल में सिर्फ मामा और बाबा रहेंगे, दैट इज 23,300 एंड 14,725, एडिंग बोथ 38,025। नाउ लाइबिलिटी साइड का अगर मैं टोटल करता हूँ आई विल गेट 72,200 एंड इफ यू चेक द असेट साइड, टोटल ऑफ असेट साइड, दैट विल बी ऑल्सो 72,200। सो इन दिस वे देखिए एज कम्पेयर टू एडमिशन ऑफ पार्टनर ये रिटायरमेंट आपको 90% सिमिलर लगेगा और सिमिलर है। सिर्फ आपको कुछ चीज़ें याद रखनी हैं, जैसे कि नंबर वन द जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द पार्टनर्स, वॉट एवर प्रॉफिट और लॉस यू विल कैलकुलेट इन अ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दैट विल बी ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द पार्टनर्स, ऑल थ्री पार्टनर्स, एंड दे विल ऑलवेज गिव यू सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कि रिटायरिंग पार्टनर का पैसा क्या करना है। जैसे इस क्वेश्चन में बताया था कि रिटायरिंग पार्टनर का पैसा अलग से उसके लोन में ट्रांसफर करना है, बस उसको आपको अलग से दिखाना है। अदर देन दैट ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एडमिशन ऑफ पार्टनर के जैसे ही है, लेकिन इम्पॉर्टेंट एंट्री गुडविल। आज के इस प्रॉब्लम में सिंपली दिया था कि रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल 2700 है, तो हमने सिंपली पार्टनर्स कैपिटल में बाय गुडविल सिर्फ उसके कॉलम में 2700 लिखा। दो मिनट के लिए सोचो, अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय गुडविल लिखता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे एज अ वर्किंग नोट अगर मैं गुडविल अकाउंट बनाता हूँ तो इसका सेकेंड एंट्री गुडविल अकाउंट के डेबिट में जाएगा टू काका कैपिटल अकाउंट 2700। और अगर मैं जब सब अकाउंट क्लोज करता हूँ, जैसे हम इससे पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर में कैश क्लोज करते थे उसी तरह जब मैं गुडविल अकाउंट क्लोज करने जाऊंगा तो मेरे गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2700। एंड एज यू नो जब भी बाय बैलेंस कैरिड डाउन आता है तो वो अमाउंट असेट में जाता है, इसलिए ये गुडविल का सेकेंड एंट्री असेट में हुआ है 2700। नाउ स्टूडेंट्स इन कमिंग 2-3 डेज आई विल अगेन अपलोड ऑल द 5 textbook प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिशन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। सो अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो।
आपके आजू बाजू में, आपके पहचान में, आपके रिलेटिव में, आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई पुअर एंड नीडी स्टूडेंट है जिनको, जो क्लासेस नहीं जाता है लेकिन उसको ट्वेल्थ के अकाउंट में अगर दिक्कत है, इकोनॉमिक्स में अगर दिक्कत है, तो मेरा चैनल उसे सब्सक्राइब करने बोल दो। ये सब चैनल के लिंक उसे शेयर कर दो। थोड़ा पुण्य मैं कमा रहा हूँ, आप भी कमा लो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।